अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज बीनिश के टिफ़िन में क्या बन रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं एडिबल ग्लिटर्स, जो कि केक वगैरह आपकी डेकोरेशन के लिए या कोई स्वीट आप बना रहे हैं स्वीट डिश, उसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए आज हम एडिबल ग्लिटर्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिबल ग्लिटर बनाने का मेथड। यहाँ पर जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तकरीबन हाफ कप कॉर्नफ्लोर लिया है। यहाँ पर ये डिफरेंट फूड कलर लिए, तकरीबन एक कप पानी लिया है। अगर हमें ज़्यादा और ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो हम और ऐड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से है और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडिबल ग्लिटर का बनाने का मेथड। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे, उसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको पकाने से पहले हम ये ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर आप उसको चूल्हे पर रख कर आप ऐड करेंगी तो उसमें लम्स बन जाएंगे। तो कॉर्नफ्लोर को पकाने से पहले आप पहले ही पानी इसमें ऐड कर लें। पहले हम हाफ कप ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि उसमें लम्स बन जाएंगे। इसको मिक्स करते हैं पहले हम पानी को। अब इसमें ये बाकी का सारा पानी भी मैं ऐड कर दूँगी। इसमें हम हाफ कप और ऐड करेंगे। एक कप मैंने ऐड किया है, हाफ कप और मैं ऐड करती हूँ। इसमें हाफ कप कॉर्नफ्लोर में डेढ़ कप पानी जाएगा। अब इसको पकाते हैं। अब इसको चूल्हे पर रख दिया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कंटिन्यू आप स्पून चलाते रहें, पकने के बाद जो है थिक हो जाएगा, क्योंकि इसको थिक करना है हमें इस बैटर को। अभी तो ये लिक्विड ही है क्योंकि अभी इसमें पानी डाला है और अभी चूल्हे पे रखा है, इसको थिक करना है। अभी ये देखें वाइट कलर का है, तो फिर ये पकने के बाद जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कितना थिक रखना है इसको। कंटिन्यू इसको चलाते रहें। अब ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू इसको चलाते रहें। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको थिक करना है। अब ये देखें वाइट से ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये लग ना जाए कॉर्नफ्लोर। अभी ये थोड़ा लिक्विड ही है, ये देखें ड्रॉप जो है तेज़ी से गिर रहे हैं इसके। ये जो बैटर है तेज़ी से गिर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और थिक करना है। इतना थिक हमें बैटर चाहिए, इतना थिक होना चाहिए ये। देखें साइड में भी ये इसकी जो है लेयर्स जमना स्टार्ट हो गई है। इतना थिक होना चाहिए बैटर, इतना कि एकदम बिल्कुल नहीं गिरे। थोड़ा रुक कर अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और इसको फ्लेम से हटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करिएगा क्योंकि ये लम्स बन जाएगा बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा ही जो, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, क्योंकि हमें अभी प्लास्टिक के ऊपर इसको स्प्रेड करना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे कि इसकी हीट जो है निकल जाए। बैटर जो है थोड़ा ठंडा हो गया है। मैंने जो है इसको फोर बाउल में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे पास येलो कलर भी रखा हुआ था, तो येलो कलर भी बना लेते हैं। फोर कलर के मैं बना रही हूँ ग्लिटर्स। मैंने यहाँ पर पाउडर्ड कलर लिए हैं, आप यहाँ पर लिक्विड भी ले सकते हैं। जो जेल कलर मिलते हैं बस पाउडर अवेलेबल थे अभी, तो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें, देख लें कितना आपको डार्क और लाइट चाहिए, तो उसके मुताबिक आप इन फोर कलर्स को बना लें। इसमें ऐड करके कॉर्नफ्लोर के बैटर में आप ऐड कर दें कलर और अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो चलिए मैं मिक्स करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फोर कलर के मैंने रेडी कर लिए। अब मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ कि क्या करना है। अब क्या करेंगे हम, एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, उसके ऊपर ये बैटर जो है स्प्रेड कर देंगे। और बैटर ज़्यादा हमें थिक स्प्रेड नहीं करना है, थिन करना। मैंने सारे बैटर को अच्छी तरह प्लास्टिक पर स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे जब ये ड्राई हो जाएंगे। ये इस तरह से ड्राई हो गए, ये एक दिन में हुए हैं ड्राई। अगर आप धूप में रखेंगी तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। मैंने फ़ैन के नीचे रखा था, तो इसको पूरा ड्राई करने के लिए एक दिन लगा है। और ये इस तरह से पापड़ की तरह हो गए हैं ये सारे। ये देखिए सारे इस तरह से ही पापड़ की तरह। अब इसको क्या करेंगे हम, हमने इसको पीसेस में कर लिया है।
आपके पीसेस जब कर रहे हो आपके गीले हैंड नहीं होना चाहिए, वरना ये फिर मॉइस्ट हो जाएगा। और जिसमें आप ग्राइंड करेंगे इसको वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल वेट ना हो, वरना ये ग्राइंड सही नहीं होगा। तो चलिए इसको हम डालते हैं और ग्लिटर, रेड ग्लिटर बनाते हैं। ग्राइंडर में डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसका ग्लिटर रेडी हुआ है। एडिबल ग्लिटर रेडी है, देखें कितने ज़बरदस्त शाइनी बने। आप मेरी रेसिपी से एडिबल ग्लिटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो आप मार्केट से परचेज़ करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ आप घर पर रेडी करें, बिल्कुल इजी मेथड है। आप इन एडिबल ग्लिटर्स को केक की डेकोरेशन में या किसी भी स्वीट पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, इससे आपकी चीज़ों की जो ब्यूटी है और बढ़ जाएगी। अगर आपको मेरे एडिबल ग्लिटर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। फिर एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।